जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर। हेलो गाइस, जैसे कि आपने प्रीव्यू वीडियो में देखा वैसे एचडी इफेक्ट और नियॉन इफेक्ट लगाकर वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, इसी के बारे में आज का हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ऐसा बेहतरीन स्टेटस बनने के लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, पहला नाम है काइना मास्टर और दूसरे का नाम है इनशॉट। तो काइना मास्टर में आप आ जाइए और उसमें 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करिए और आपको सेटिंग में आना है, एडिटिंग में आना है। एडिटिंग में आपको फोटो क्लिप की ड्यूरेशन 0.5 से कम कर देनी है और इसको फिल स्क्रीन कर देना है। तो आपको इसके बाद फोटो सिलेक्ट कर लेने, जो भी स्टेटस में आपको लगाना है वो फोटो सिलेक्ट कर लेने। फोटो सिलेक्ट कर लेने के लिए आपको इसको पहले से डाउनलोड कर रखने चाहिए और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको ये फोटो दिला दूँगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना आपको, आपको सीधा इस जो भी वीडियो बनाए इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको इनशॉट ऐप में या फिर चले जाना, इनशॉट ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इनशॉट ऐप में आने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर सिर्फ एक दो सेकंड का वीडियो बन चुका है हमारा, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है दो बार, तो ये 5-6 सेकंड तक का वीडियो बन जाएगा। अगर आप चाहते 15-20 या 30 सेकंड तक का वीडियो बना तभी तक आप उसे कॉपी करते रहे जब तक ये अपने हिसाब से नहीं होता। तो इसके बाद आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड में आपको व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। अगर आपके ऐप में ये पहले से आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो बैकग्राउंड में आप व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में अपना टेक्स्ट लिख देना है, कुछ भी आप जो चाहते हैं, अगर किसी का नाम चाहते हैं या कोई लाइन चाहते हैं कुछ भी आप लिख दीजिए। इसमें आपको फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है, फॉन्ट यहाँ पर देखिए लॉबस्टर कुछ अच्छा फॉन्ट लग रहा है तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो अगर आप चाहे तो कर सकते, मैं ये नहीं कर रहा। और यहाँ पर आप इमेज भी ऐड कर दीजिए टेक्स्ट के साथ ताकि वीडियो अच्छा लगे और काफ़ी भी देखने में इंटरेस्ट लगे। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, छोटा कर देने के बाद आपको इसको स्टेटस के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लगा देना है कुछ इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर एक इफेक्ट है, वो आप पर उसको देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो इसको करने के बाद टेक्स्ट को लिखने के बाद आपको इस टेक्स्ट को बड़ा कर देना, एक्सटेंड कर देना है पूरे वीडियो में। पूरे वीडियो में एक्सटेंड कर देने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको इधर आना है स्टिकर में, स्टिकर में आपको स्टोर पे चले जाना है। स्टोर पे जाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर देखिए स्टोर में चले जाने के बाद आपको यहाँ पर शॉप में जाना है। शॉप में यहाँ पर देखिए नीचे आना है यहाँ पर नियॉन इफेक्ट इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ फ्री में है, आप एक ऐड देख कर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर का जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा है उस पर आपको उसके लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इसको आपको जो भी टेक्स्ट लिखा है उस पर लगा देना है कुछ अच्छी तरह से। तो इस तरह से लगा देने के बाद आपको इसमें एडजस्टमेंट कर देने थोड़े बहुत आप चाहते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर दो नंबर का जो नीचे वाला दूसरे रो का इफेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसे आगे लगा देना है यहाँ पर इमेज से उस तरह से। तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो इसको लगा देने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए और इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए। तो दोस्तों आप भी इस तरह के बेहतरीन स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से अभी तक हमारा वीडियो बन चुका है। तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए पूरे वीडियो में। तो इसको एक्सटेंड कर देने के बाद आपको यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए म्यूजिक का सिंबल है, उस पर आपको क्लिक करना है और म्यूजिक के सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको एक इफेक्ट लगा देना है। इफेक्ट लगाने के बाद यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये इफेक्ट है, इससे आपका वीडियो यहाँ पर बहुत सुंदर लगेगा। तो इसको लगा देने के बाद आपको MP3 सॉन्ग यहाँ पर कुछ जो भी डालना है इसको आपको ऐड कर देना है। तो आपको दोस्तों फिर से एक बार बता दूँ कि आपको इफेक्ट्स में जाकर क्लिच इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है और इस पूरे वीडियो में इस इफेक्ट को लगा देना है ताकि अपना वीडियो में काफ़ी अच्छा और आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना जाए। तो इसको बाद आप MP3 सॉन्ग डाल लीजिए, उसको डालने के बाद आप अगर चाहते अपने YouTube का लॉगो या कोई Instagram का लॉगो डालना चाहते उसको भी आपको इमेज एंड वीडियो में जाकर सिलेक्ट करके इसे लगा सकते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।